असलम व्यूअर्स वेलकम टू माई YouTube चैनल कैम मीडियम कल का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने एसिड कैटलाइज्ड एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखे थे कार्बोनइल कंपाउंड्स के इसके अलावा हम लोगों ने रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स देखा था ठीक है उसका उसके हमने तमाम टाइप्स देखी थी तमाम जो डेरिवेटिव्स थे उसके साथ जनरल रिएक्शन देखे थे और लास्ट में हम लोगों ने उसके जनाब मेकनिज़म जो उसका जनरल मेकानिज़म था वो देखा था आज हम लोगों ने जो रिएक्शन देखना है वो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर एडिशन ऑफ अल्कोहल्स तो हमारे पास जो अल्कोहल्स होते हैं ना वो ड्राई एच गैस की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ ठीक है और वो एक नई टाइप का कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम एसिटल्स कहते हैं एसीटल्स में दोनों जो हमारे पास ऑक्सी ग्रुप्स होते हैं ना अल्कोक्सी ग्रुप्स वो ऐड हो जाते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर वो किस तरह से यहाँ देखें आपके आपके पास है रिएक्शन सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री और हाइड्रोजन ये हमारे पास है एसीटेल ठीक है ऐसी को मैं लिख देती हूँ यहाँ पर इसका नाम ऐसी के अंदर हम लोग दो मॉलिक्यूल्स डालेंगे सी टू एच फाइव ओ एच के सी टू एच फाइव ओ एच के हम लोग दो मॉलिक्यूल्स डालेंगे इसके अंदर ठीक है उसके नतीजे में हमारे पास जनाब उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है ये रिएक्शन जो है ये हमने करवाना है ड्राई एच सी एल ड्राई एच सी एल की प्रेजेंस में यानी ये जो एच सी एल है ये गैशियस फॉर्म में होगी ठीक है और सी टू एच फाइव ओ एच जो है ये भी ड्राई होना चाहिए ये एथानोल है ड्राई एथानोल यानी इन दोनों के अंदर कोई मॉइस्चर वगैरह मौजूद नहीं होना चाहिए ठीक है ये दोनों जो अब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बनाते हैं हमारे पास किस तरह का कंपाउंड ये कार्बन ये वाली ठीक है ये इसका मिथाइल ग्रुप सी एच थ्री ये वाला ये इसका हाइड्रोजन ये वाला ये इसका सिंगल बॉन्ड ये देखें ओ सी टू एच फाइव दो दो हम यूज़ करें ना अल्कोहल्स दोनों का एक का ओ सी टू एच फाइव इधर आ जाएगा दूसरे का ओ सी टू एच फाइव इधर आ जाएगा और साथ में हमारे पास बनता है एच टू ओ ठीक हो गया एक ऑक्सीजन यहाँ से और दो हाइड्रोजन्स यहाँ से ये एच टू ओ बनाते हैं अब ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है ना दिस इज़ कॉल्ड वन टू इथेन या इसे हम कहते हैं दिस इज एन एसीटल क्या कहते हैं दिस इज एन एसिटल ए सी टी ए एल एसीटल है और नाम इसका क्या है भाई हम चेन जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो कौन सी है ये और ये ये दो चेन ही हम सिलेक्ट कर रहे हैं इसमें तो फर्स्ट वाली कार्बन के साथ दोनों ये ऑक्सी ग्रुप से अटैच हैं इथॉक्सी ग्रुप से अटैच हैं तो ये फर्स्ट है फर्स्ट कार्बन ये सेकेंड कार्बन है हम कहते हैं वन कॉमा वन डैश चूंकि दो इथॉक्सी ग्रुप हैं ये भी इथॉक्सी ग्रुप है ये भी इथॉक्सी ग्रुप, ग्रुप है डाई इथॉक्सी और दो कार्बन हैं तो इथेन और इसी को हम दूसरा नाम देते हैं एसीटल का ठीक है ये एसीटल होता है जिसके अंदर दो इथॉक्सी ग्रुप्स जो हैं वो एक ही कार्बन के साथ अटैच हों, उसे हम क्या कहते है? हैं इथॉक्सी है ये रिएक्शन हम क्यों करवाते हैं ये रिएक्शन हम इसलिए करवाते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हैं इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के तो हम चाहते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन ना हो इस ग्रुप की या हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो जाए तो उसको अवॉइड करने के लिए हम पहले इसके अंदर ड्राई एथ, एथानोल डालते हैं ड्राई एच सी एल की प्रेजेंस में ठीक है तो वो बना देता है हमारे पास एन एसीटल एसीटल जब बनाएगा तो फिर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो है वो एसिटल यानी इथॉक्सी ग्रुप से ऑकुपाई हो जाएगा उसके बाद जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है ठीक है और उसके बाद जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करा लेते हैं वापस तो फिर हम इसके अंदर डालते हैं एसिड और वाटर और ये अगेन हमें ये सी डबल बॉन्ड ग्रुप दे देता है किस तरह से ये रिएक्शन होगा भाई ये देखें दोबारा से सी सी एच थ्री ये हाइड्रोजन ये है ओ सी टू एच फाइव और ओ सी टू एच फाइव ये एसिटल है एसिटल की हमने वाटर हाइड्रोलाइसिस करानी है यानी वाटर की एसिड की प्रेजेंस में इसके अंदर हम डालेंगे वाटर ठीक है तो ये बना देता है दोबारा से सी सी एच थ्री एच सी डबल बॉन्डो यानी ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना ये अगेन वापस आ जाता है और साथ में टू सी टू एच फाइव ओ एच एथान जो है वो भी निकल आते हैं वापस ठीक हो गया अच्छा ये रिएक्शन है हमारे पास हो गया ठीक है और ये जो रिएक्शन है ना कि जो है ये रिएक्शन नहीं देते ये हमने एसिड के साथ करवाया है ये वाली जो कंडीशन है ड्राई एच सी एल ड्राई एथानोल इन दोनों के साथ की जो हैं वो इन तमाम कंडीशन में रिएक्शन शो नहीं करते ये सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं ठीक हो गया नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन रिएक्शंस ठीक है यहाँ तक हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस थे बेस केटालाइज्ड एसिड कैटालाइज्ड वो सारे ख़त्म हो गए अब हम देखते हैं इसकी रिडक्शन रिएक्शंस ये आर्टिकल है आपके पास ट्वेल्व पॉइंट फाइव पॉइंट टू और ये है रिडक्शन रिएक्शंस रिडक्शन किसकी होगी ऑब्वियसली जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं उन दोनों की हम लोगों ने रिडक्शन को स्टडी करना है ठीक है अब रिडक्शन जो होती है पहली टाइप की दो तरह से रिडक्शन हम कर सकते हैं पहली टाइप की रिडक्शन जो होती है वो है रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड एन ए बी एच फोर क्या नाम है इसका सोडियम बोरोहाइड्राइड ठीक है इस एन ए बी एच फोर के पास चार हाइड्रोजनज हैं तो इसके पास रिडक्शन जो होती है ना बेसिकली यहाँ पर हम रिडक्शन की डेफिनेशन देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ठीक है ये रिडक्शन है ये हाइड्रोजिनेशन नहीं है कीप इन माइंड ये रिडक्शन है हाइड्रोजिनेशन जो होती है उसमें हम कैटास्ट वगैरह यूज़ करते हैं और प्रॉपर हम उसके जना हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर हम हाइड्रोजन ऐड कराते हैं तो वो हाइड्रोजिनेशन होती है ठीक है ये रिडक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ पर हमने एक तरीका हमारे पास एन के साथ रिडक्शन कराने का और दूसरी हमारे पास होती है कैटालिटिक रिडक्शन कैटालिटिक रिडक्शन जो होती है वो कौन सी होती है वो मैं आपको बताती हूँ वो जो नॉर्मल हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं ना हाइड्रोजन ऐड कराने के लिए उसमें वो यूज़ करेंगे रिडक्शन विद एन ए बी एच फोर जो है ना इसमें ये जो हमारे पास रिडक्शन का मेथड है ना ये जो एन ए बी एच फोर है ये सी डबल बॉन्ड सी इस तरह वाले जितने भी सी डबल बॉन्ड सी या ट्रिपल बॉन्ड सी में हाइड्रोजन ऐड नहीं करवाता ये हमेशा यूज़ किया जाता है फॉर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन सी ओ सी डबल बॉन्ड ओ यानी इसकी रिडक्शन ये करेगा इस तरह की रिडक्शन ये नहीं कर सकता तो फर्स्ट टाइप की रिडक्शन हम डिस्कस करते हैं विद सोडियम औरड्राइड सबसे पहले हम लेंगे फॉर्मेल्टी हाइड ठीक है फॉर्मेलिटी हाइड जब लेंगे तो फार्मेलिटी हाइड का फॉर्मूला होता है सी डबल बॉन्ड ओ इस दोनों साइड्स पर होती हैं हाइड्रोजन्स ठीक है हमने करवानी है रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिडक्शन एन ए बी एच फोर दिस इज़ रिड्यूसिंग एजेंट क्या है ये दिस इज़ रिड्यूसिंग एजेंट ये रिड्यूसिंग एजेंट है कैटलिस्ट नहीं है याद रखें कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता जबकि यहाँ पर एन रिड्यूसिंग एजेंट है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और ये क्या करता है ये कार्बन इसकी ये ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये फार्मेलिटी हाइड था ना ठीक है फॉर्मेलिटी हाइड यानी एक कार्बन वाला एल था एक ही कार्बन है ना इसमें एक कार्बन वाला एल है तो ये सी डबल बॉन्ड ओ जो था ना ये कन्वर्ट होता है सी एच ओ एच ठीक है तो एक कार्बन वाला अल्कोहल बन गया इसे हम कहेंगे दिस इज मैथान मैथानोल फॉर्मेलहाइड का दूसरा नाम होता है मैथानल मैथानल से मैथानोल बन गया ठीक है सिमिलरली हम एसी लेंगे सी एच थ्री एच इसका नाम है कॉमन नेम है इसका एसिटेल्डिहाइड और आयो नेम है इसका जनाब एथानल एन ए एल एथानल इसको भी जब हम एन ए बी एच फोर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो इसके नतीजे में ये बनाता है सी सी एच थ्री हाइड्रोजन एच ओ एच ये जो अल्कोहल हमारे पास बना है ना ये है हमारे पास एथानोल एथानल से एथानोल या इथाइल अल्कोहल भी इसे हम कहते हैं सिमिलरली हम कीटोन लेते हैं सी एच थ्री दोनों साइड्स पर सी एच थ्री होगा हम जानते हैं कि टोन के अंदर कार्बोनिल ग्रुप की दोनों साइड्स पर आर ग्रुप होता है ये एसीटोन है ठीक है और इसका आईओ पैक नेम है प्रोपानोल इसको जब हम एन ए बी एच फोर के साथ ट्रीट करते हैं एन ए बी एच फोर इज एन रेड्यूसिंग एजेंट तो ये बनाता है सी सी एच थ्री सी एच थ्री एच ओ एच ठीक है ये हमारे पास बन गया है टू प्रोपानोल यानी अल्कोहल बना अब एक बात मेरी जहन में रखें आप लोग आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये एल्डी था इससे अल्कोहल बना ये है सी एच थ्री ओ एच ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ सी एच थ्री ओ एच मैथानोल ये भी एल था इसी एल इससे बना एथानोल इसका फार्मूला है सी टू एच फाइव ओ एच ठीक है ये और ये एक ही चीज़ है इससे भी अल्कोहल बना इससे भी अल्कोहल बना ये भी प्राइमरी अल्कोहल बना ये भी प्राइमरी अल्कोहल बना अब ये हमारे पास है किटोन कीटोन के केस में चूंकि वो कार्बनआईल कार्बन दरम्यान में होती है ठीक है तो दरमियान वाली कार्बन जो है उसी का ऑक्सीडेशन उसी यानी उसी की रिडक्शन होती है और रिडक्शन के नतीजे में हाइड्रोजन उसी की ऑक्सीजन के पास आती है और कार्बन के पास जाती है ठीक है तो वो दरमियान वाली कार्बन है अब देखें इसकी नंबरिंग अगर हम करते हैं वन टू थ्री तो सेकंड पोजीशन पर अल्कोहलिक ग्रुप है टू तो प्रोपन ऑल हमने कह दिया यह है सेकेंडरी अल्कोहल तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि रिडक्शन ऑफ मैं एंड पे लिख भी देती हूँ रिडक्शन ऑफ एलडी हाइड गिव्स प्राइमरी कोहल हमेशा एक बात दूसरी बात रिडक्शन ऑफ कीटोन ऑलवेज गिव्स सेकेंडरी कोहल ठीक हो गया ये बातें आपको बतानी बहुत जरूरी थी अब हम देखते हैं कि ये किस मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ रिडक्शन रिडक्शन का जो मैकेनिज़्म है ना, वो बहुत आसान है वो किस तरह से है कि हमारे पास ये जो एन ए बी एच फोर होता है ना एन ए बी एच फोर ये जब आयोनाइज होता है ना तो ये एन ए पॉजिटिव प्लस बी एच फोर माइनस वन ये जो है ना ये वाला बी एच फोर माइनस वन इसका नाम होता है टेट्रा हाइड्रिडो बोरेट क्या नाम है इसका टेट्रा हाइड्रिडो बोरेट मैंने इसको जरा ऊपर नीचे करके लिखा है वरना ये एक ही लाइन में अपना नाम लिखना है ये टेट्रा हाइड्रिडो बोरेट जो है ना इसके पास एक हाइड्रोजन एक्सेस में होती है बी एच थ्री नॉर्मल होता है बी एच थ्री इसका जो फार्मूला है ना बी एच थ्री जब एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो तो बी एच फोर बन जाता है अब वो हाइड्रोजन वो डोनेट कर सकता है फॉर रिडक्शन ठीक है तो क्या करता है वो अपनी हाइड्रोजन एक रिलीज़ करता है और वो हाइड्रोजन जो रिलीज़ करता है उसमें हाइड्राइड आइन की फॉर्म में एच माइनस वन की फॉर्म में वो आती है और वो फॉर्मेलिटी आइडिया आप कार्बोनाइल ग्रुप ले लें सिंपल ये ये पार्सल पॉजिटिव है ये पार्शल नेगेटिव है हाइड्राइड आइन आके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है ये बॉन्ड टूट के इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है और हमारे पास जो ग्रुप बनता है वो ये इसके दोनों बॉन्ड्स ये हाइड्राइड आइन आके अटैच हो गया और ये ऑक्सीजन अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसके दो बॉन्ड्स थे एक टूट गया और एक इसके पास अभी बनाने के लिए मौजूद है अब ये जो हमारे पास बना है ना ये वाला आइन ये आइन जो है ना ये वाटर के अंदर मौजूद जो प्रोटॉन होता है ना यानी एच ओ एच वाटर सोलूशन हमने लिया हुआ है ये पार्शल नेगेटिव है ये पार्शल पॉजिटिव है ये वाटर से हाइड्रोजन भी कब कर लेता है ठीक है और वाटर से जब हाइड्रोजन पिकअप करेगा तो ये एच सी ये इसके दोनों बॉन्ड्स और ये ओ OH, एच ठीक है और ओ एच नेगेटिव एज इट इज़ बाहर निकल आता है ठीक है और ये जो बना ये है ये अल्कोहल है एंड अल्कोहल ये जो था ये आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड था यानी कार्बोनाइल कंपाउंड की वाया रिड्यूसिंग एजेंट एन ए बी एच फोर जो रिडक्शन हुई है इसके दो स्टेप्स हैं पहले स्टेप में हाइड्राइड आइन ने अटैक किया दूसरे स्टेप में ऑक्साइड आइन ने हाइड्रोजन पिकअप कर ली वाटर से और बना दिया अल्कोहल ये वाला जो मैं बना रही थी ना सी डबल बॉन्डो सी एच ओ एच सी डबल बॉन्डो सी एच ओ एच सी डबल बॉन्डो सी एच ओ एच में कन्वर्ट हो रहा है तो ये बेसिकली सी डबल बॉन्डो हो सी एच ओ एच में कन्वर्ट इस तरह से होता है समझ आ गई बात की अच्छा ये वाला जो है ना आपके पास इसका मैं नाम बता देती हूँ आपको ये ऑक्साइड है लेकिन अल्का ऑक्साइड है यानी अल्केन के अंदर जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो अल्का ऑक्साइड आइन बनता है ठीक हो गया अच्छा अब आप लोग आगे आ जाएं जी दूसरी टाइप की रिडक्शन हम देखते हैं वो है कैटालिटिक रिडक्शन फर्स्ट टाइप की रिडक्शन हम लोगों ने कर ली विद एन अब हमने ये करनी है कैटालिटिक रिडक्शन कैटालिटिक रिडक्शन में जो कैटेस्ट हम यूज़ करते हैं वो हो सकते हैं प्लाटिनम हो सकता है प्लाडियम हो सकता है या निकल प्लस टेम्परेचर हो सकता है ठीक है ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं कैटलिस्ट्स ठीक है तो जो कीटोन्स हैं आपके पास वो प्राइमरी देंगे और एल्डीहाइड्स सॉरी जो एल्डिहाइड्स हाइड्स हैं वो प्राइमरी अल्कोहल्स देंगे और जो किटोन्स हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल्स देंगे रिएक्शन बिल्कुल तकरीबन तकरीबन सेम ही है यानी ये जो आप देखें कि ये है हमारे पास एल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड हो इसकी दोनों हाइड्रोजन दिस इज फॉर्म एलडी इसमें हम सिंपल हाइड्रोजन देते हैं इसको इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम हो सकता है प्लाडियम हो सकता है या निकल हो सकता है इन दोनों तो में से कोई भी कैटलिस्ट आप यूज़ कर सकते हैं तो ये बना देगा आपके पास सी एच थ्री ओ एच ये मैथानल है मैथानॉल या फॉर्मेलिहाइड मैथानॉल से हमें मिल गया मैथानोल पेन ख़त्म हो गया मैथानोल सिमिलरली आपके पास है सी डबल बॉन्ड ओ ये इसकी है सी एच थ्री और ये है हाइड्रोजन इसमें भी हम हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम प्लाडियम हो सकता है या फिर निकल हो सकता है नज़र आ रहा है ना आपको ठीक है तो ये हो जाएगा ये बना देगा सी एच थ्री सी एच OH, टू ओ एच एथानोल ठीक है ये था एथानल एथानल से बना दिया उसने एथानोल सिमिलरली आपके पास है सी एच थ्री सी एच थ्री डबल बॉन्ड ओ इसमें जब हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे तो ये बना देगा इन द दे प्रेजेंस ऑफ सेम कैटलिस्ट्स तीनों एक साथ नहीं यूज़ करने इन तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं तो तीनों साथ इसलिए लिखें कि तीनों को तीनों में से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं सी एच ओ एच सी एच थ्री और सी एच थ्री ठीक है ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है भाई आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी से आप कह सकते हैं या इसे आप टू प्रोपानोहल भी कह सकते हैं तो ये हमारे पास है कैटालिटिक रिडक्शन का मैकेनिज़्म सॉरी कैटालिटिक रिडक्शन के रिएक्शंस हैं ये ठीक है आगे हमारे है पास हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो है ना इसको आप ज़रा देख लें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में जिस तरह मैंने बताया ना कि एल्डिहाइड्स यानी जो कार्बोनल ग्रुप होता है ना उसकी रिडक्शन से अल्कोहल्स बनते हैं हमेशा और उसकी ऑक्सीडेशन से हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं ठीक है एसिड्स जो हैं उसमें पहले हम एल्डिहाइड्स की ज़रा ऑक्सीडेशन देखते हैं पहले केस में हम देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन हो सकती है एक हमारे पास इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है मैं यहाँ पर जरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिख दूँ एक हमारे पास होता है टॉलेंस री एजेंट क्या चीज़ें हैं मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ आपको एक आपके पास होता है फेलिंग सॉल्यूशन ठीक है और एक आपके पास है बेनेडिक्ट री एजेंट ठीक है इन तीनों से एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन हो जाती है और चौथी टाइप की ऑक्सीडेशन होती है इसकी वाया के टू सी आर टू ओ सेवन इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू एस ओ फोर या के एम एन ओ फोर इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू एस ओ फोर इससे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड तक और इससे ऑक्सीडेशन जो है वो नॉर्मल ऑक्सीडेशन होती है यानी इससे भी ऑक्सीडेशन इसकी हो जाती है रिएक्शंस देखते हैं हम लोग के किस तरह से हैं हमारे पास है एसीडलडी हाइड सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ के टू सी आर टू ओ सेवन और प्रोडक्ट बनता है हमारे पास सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ये एज इट इज़ रहता है और एच जो है ना इसने ओ OH एच में चेंज नहीं हाइड्रोजन नहीं, की ऑक्सीडेशन होकर ये ओ OH एच बनाता है ये आपके पास है एसटिक एसिड एसीटेल से एसिटिक एसिड बनता है ठीक हो गया अब आगे देखें हम तीन कार्बन वाला एल्डिहाइड लेते हैं सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच इसकी भी ऑक्सीडेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर रिएजेंट्स के टू सी आर टू ओ सेवन एच टू एस ओ फोर प्रोडक्ट हमारे पास जितनी कार्बनस वाली आपके पास एल्डिहाइड, है उतनी कार्बन वाला ही एसिटिक एसिड बनेगा सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ये ये था प्रो प्रो पियोन एल डी हाइड और इससे बना है प्रो पियोन निक एसिड ठीक है जितनी कार्बन्स पेरेंट में मौजूद थी उतनी ही डॉटर में मौजूद हैं जितनी कार्बनस वाला एल्डिहाइड यूज़ कर रहे थे उतनी ही कार्बनस वाला हमारे पास एसिड ये जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड वो बन रहा है आगे हम देखते हैं किटोन्स की ऑक्सीडेशन ये हमने देखी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स अब हम देखते हैं सेकेंड ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड यानी ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स ये जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स ये ठीक हो गया अब कीटोन्स की जो ऑक्सीडेशन है उस केस में हमारे पास क्या होता है कि ये जो है ना किटोन्स ये टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इन तीनों रिएजेंट्स के साथ ये ऑक्सीडेशन शो नहीं करते ये ऑक्सीडेशन सिर्फ शो करते हैं हमारे पास के टू सी आर टू ओ सेवन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एच टू एस ओ फोर या ये ऑक्सीडेशन शो करते हैं के एम एन ओ फोर इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू एस ओ फोर इन दोनों के साथ ही ऑक्सीडेशन शो करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सबसे छोटा कीटोन सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और ये है सी एच थ्री ठीक है मिथाइल ग्रुप इसकी जब ऑक्सीडेशन होती है ना यूँ ठीक है तो इसके नतीजे में हमने जो प्रोडक्ट बना ना जब हमने उसको ऑब्ज़र्व किया कि वो किस तरह का प्रोडक्ट देता है के टू सी आर टू ओ सेवन इन द प्रेजेंस ऑफ ए एच टू एस ओ फोर तो बेटा इसमें दो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ से सिमेट्रिकल हो तो यहाँ से ब्रेक हो सकता है यहाँ से दोनों साइड से हो सकता है एक जैसी बात है एक एसिड बनता है इतनी जितनी कार्बन जिधर हैं उतनी कार्बन वाला और एक एसिड बनता है जितनी कार्बन जिधर हैं उतनी कार्बन वाला यानी इस केस में हमारे पास दो एसिड्स बनेंगे एक एसिड बनेगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच इन दोनों इन दोनों के लिए और एक एसिड बनेगा हमारे पास एक कार्बन वाला वो होगा एच सी ओ ओ एच फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड ये दो एसिड्स बनते हैं ठीक है नॉर्मली वो कहता है कि जिसके पास कम हाइड्रोजन होती है ना जिस कार्बन के कार्बन के पास वो ऑक्सीडाइज होती है ऑक्सीडाइज होती है और बाकी जो है वैसे ही ऑक्सीडाइज हो जाती है ठीक है अब इसमें हम देखते हैं कि ये तो हमारे पास है सिमेट्रिकल का केस अगर हमारे पास हो अनसिमेट्रिकल का केस यानी सी एच थ्री है एक तरफ सी डबल बॉन्ड ओ और दूसरी तरफ है सी एच टू सी एच थ्री अब देखें इस तरफ हमारे पास है इन दोनों में से इन दोनों कार्बनस को देखें कार्बोनाइल कार्बन की दोनों साइड्स वाली इसके पास कम है हाइड्रोजन इसके पास ज़्यादा है तो ये वाला जो है ना ये टूटेगा यहाँ से ऐसे जो कार्बोनाइल है वो छोटी कार्बन के पास जाएगा यानी जो ये तो इथाइल है ना ये मिथाइल है छोटे वाले के पास जाएगा तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनाएंगे ना वो होगा जनाब एक हमारे पास बनेगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और दूसरा भी दो कार्बन वाला ही बनेगा सी एच थ्री C डबल बॉन्ड ओ ओ एच दोनों एसिडिक एसिड्स बनेंगे और ये ऑक्सीजन हमने ऑक्सीडेशन कराई है ठीक है और इन द प्रेजेंस ऑफ सेम रिएजेंट्स कौन कौन से के टू सी आर टू ओ सेवन ठीक हो गया जी बेटा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट्स जो हैं वो हमारे रहते हैं वो उसकी मैं सेपरेट एक शॉर्ट वीडियो आपको बना के सेंड कर दूंगी ठीक है ताकि आप लोगों को वो अलग से समझ आ सके ठीक है तो अभी हम इसके यूजेस देख लेते हैं इसकी इन दोनों के यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं ठीक है इंपॉर्टेंट इस वजह से कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं ठीक है सबसे पहले पहले हम फॉर्मेल्टी के और फिर एसीटेलि के यूजेस देखेंगे फॉर्मेल्टी के यूजेस में क्या है इट इज़ यूज इन द मैनुफेक्चर ऑफ रेजनस लाइक यूरिया फॉर्मेलिटी यूरिया फॉर्मेलिटी का एक रेजिन बनता है एंड प्लास्टिक्स सच एज बेकेलाइट बेकेलाइट फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ी थी बैकेलाइट फॉर्मेशन जो है ना ये आप लोगों ने पढ़ी थी उसमें आ, अल्कोहल्स के रिएक्शंस में ठीक है उसके अंदर भी हम फार्मेल्टी यूज़ करते हैं तो बेकुलाइट फॉर्मेशन होती है ठीक है सेकेंड यूज है इसका इट इज़ यूज इन द मैनुफेक्चर ऑफ डाइज सच एज़ इंडिगो पैरा रोज एनिलिन एटसेट्रा इंडिगो जो होती है ये ब्लू कलर की डाई होती है ये हम उगाते हैं पौधा होता है इसका ठीक है उससे ब्लू कलर की इंडिगो डाई बनती है और पैरा रोज एनिलिन जो है ये भी रेड कलर की डाई होती है ये दोनों डाइज बनाने के लिए फॉर्मेल्टी यूज़ किया जाता है उसके बाद आपने फॉर्मेल्टी की प्रपेशन में पढ़ा था फॉर्मालिन के बारे में ठीक है इट्स फोर्टी परसेंट एक्वा सोल्यूशन कार्ड फॉर्मालिन इट इज़ यूज एज एन एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक का मतलब होता है जो जरासिम कश होता है या जो इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम दवाई यूज़ करते हैं उसे कहते हैं डिस इन्फेक्टेंट इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए अजर्मी साइड जर्म्स को खत्म करने के लिए फंजिस साइड फंगस को खत्म करने के लिए एंड फॉर प्रिजर्विंग एनिमल एनिमल्सपेसिमेंस एंड स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एनिमल स्पेसिमेंट्स ये जो आप लोगों ने बायो लेब में देखते हैं ना कि छोटी छोटी बॉटल्स के अंदर किसी में वो कॉकरोच पड़ा हुआ है मरा हुआ ठीक है किसी के अंदर वो फ्रॉग पड़ा हुआ है किसी के अंदर डिफरेंट स्नेल्स वगैरह इस तरह के जो जानवर पड़े होते हैं मकड़ियाँ वगैरह उनके अंदर हमने एक सोलूशन रखा होता है वो सोल्यूशन डालते हैं तो उससे वो एनिमल का जो डेड बॉडी है ना या जो उसकी बॉडी है वो प्रिजर्व रहती है वो खराब नहीं होती ठीक है तो उसके अंदर हम लोग ने बेसिकली फॉर्मेल डिहाइडी डाला होता है एंड और दूसरा इसका यूज है स्टर्लाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की स्टरलाइजिंग के लिए उनको जब हम वाटर के अंदर बॉयल करते हैं तो उसके अंदर हम थोड़ा सा फॉर्मेल भी डाल लेते हैं ठीक है और वो उसके अंदर से वो जरासीम को मार देता है फोर्थ यूज इट इज़ यूज एज डीकलराइजिंग एजेंट इन वैट डाइंग वेट डाइंग का मतलब क्या है कि बाजू का हमने वाटर स्टोरेज रखे होते हैं ना जैसे होज वगैरह बने होते हैं जहाँ पर स्विमिंग वगैरह करते हैं ठीक है तो उसके अंदर हम डीकलिंग एजेंट के तौर पर हम उसको यूज़ करते हैं इट इज़ यूज इन द सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स सिल्वरिंग ऑफ मिरर के अंदर हम यूज़ करते हैं किस तरह से यूज होता है ये जब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट मैं आपको करवाऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी इसमें सिल्वर मिरर किस तरह से बनता है आपने देखा ना शीशे के पीछे कोटिंग हुई भी होती है बेसिकली हमने मिरर्स को सिल्वर कोटिंग की होती है उसके ऊपर ठीक है वो वो किस तरह से करते हैं वो फॉर्मेल्टी से करते हैं वो मैं आपको अभी बता देती हूँ कैसे करते हैं इट इज़ यूज इन मेकिंग मेडिसिन यूरोट्रोपाइन यूज्ड एज यूरिनरी एंटीसेप्टिक आ, ब्लेडर के अंदर हमारे जो बाजू का जरासीम बन जाते हैं तो उसके अंदर हम लोग यूरोट्रोपाइन जिस वजह से यूरिनरी प्रॉब्लम्स बहुत सारे हो जाते हैं ना तो यूरिनरी एंटीसेप्टिक के तौर पर इसको यूज़ करते हैं इट इज़ यूज इन मेकिंग फॉर्मामेंट फॉर्मामेंट होती है गले में जब ख़राश होती है तो हम मेंट्स यूज़ करते हैं ना टॉफ़ीज़ छोटी छोटी कैंडीज़ ठीक है तो वो जो उसके लिए फॉर्मामेंट बनाई जाती है उसमें फॉमेलडीहाइड और लैक्टोजिन दोनों को मिला के हम थ्रॉट लोजेंजेस यानी जो गले की गोलियाँ होती हैं वो बनाते हैं जो हम जिसको खाते हैं तो हमारे गले में थोड़ा सा सुकून हो जाता है और लास्ट यूज इज इट इज़ यूज इन प्रोसेसिंग ऑफ एंटी पोलियो वैक्सीन एंटी पोलियो वैक्सीन की प्रोसेसिंग के लिए उसको बनाने के लिए उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं ठीक है आगे यूजेज़ ऑफ एसिट एलडीहाइड्स इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड एन ब्यूटानोल एथानोल टू इथाइल वन एक्जनोल विनाइल एसिटेट पैरलडीहाइड एंड एसिड इथाइल एसिटेट एक्सेट्रा ये सारे कंपाउंड्स बनाने में एसिटेडिहाइड जो है वो यूज़ होता है ये सारे कंपाउंड हमने यहाँ पर पढ़े हैं ठीक है नेक्स्ट यूज है इसका सेकंड इट इज़ यूज टू मेक एसिटेलडीहाइड अमोनिया यूज एज रबर एक्सेलरेटर रबर बनाने के लिए जो कुछ एक्सेलरेटर्स यूज़ किए जाते हैं जो उस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं तो वो ये एज ए रबर एक्सेलेटर एसिटेलिहाइड जो है ये यूज़ किया जाता है रबर इंडस्ट्री में इट इज़ यूज टू मेक क्लोरल हाइड्रेट एथेनॉल ट्राइमर एंड टेट्रामर एथेनॉल ट्राइमर और टेट्रामर जो है ये भी बहुत यूज़फुल कंपाउंड्स हैं क्लोरल हाइड्रेट एंड एथेनॉल ट्राइमर आर बोथ यूज्ड एज हिपनोटिक ड्रग्स हिपनाटिक ड्रग्स वो होती हैं जो स्लीपिंग पिल्स के तौर पे यूज़ की जाती है यानी जिनको खाने से गूदगी आ जाती है ये उसके अंदर यूज़ होता है कौन सा एथेनॉल ट्राइमर और क्लोरल हाइड्रेट और ये दोनों बनते हैं एसीटेली हाइड्स हैं वेयर एज एथेनॉल टेट्रामर इज़ यूज इन स्लग पॉइजन स्लग पॉइजन बेसिकली क्या है स्लग क्या चीज़ होती है स्लग जो होता है ये आपके पास है एनिमिलिया फैमिली में फाइलम मुलस्का से बिलोंग करता है गैस्ट्रोपोडा इसकी है क्लास उसके अंदर स्लग जो होता है ना ये स्नेल टाइप का एक एनिमल होता है ठीक है और इसको मारने के लिए पॉइजन के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है इट इज़ यूज एज एंटीसेप्टिक इन नेसल इन्फेक्शन नेसल इन्फेक्शन कौन से होते हैं जो हमारे नाक में इन्फेक्शन हो जाते हैं बाजूकत ठीक है नसल इन्फेक्शन जैसे कुछ लोगों की नाक की हड्डी बढ़ जाती है या इस तरह से तो उसके अंदर उसके एंटीसेप्टिक स्प्रेज़ के लिए जब ऑपरेशन होता है ना तो उस ऑपरेशन के बाद वो कहते हैं कि आप स्प्रे इसके ऊपर जारी रखें नाक के अंदर तो वो जो एंटीसेप्टिक स्प्रे होता है उसमें बेसिकली एसीडाइल डिहाइड होता है इट इज़ यूज इन सिल्वरिंग ऑफ मिररर सिल्वर ऑफ मिरर सिल्वरिंग ऑफ मिरर में फॉमल डिहड भी यूज़ होता है और एसीडाइल डिहाइड भी यूज़ होता है इट इज़ यूज इन टू मेक फिनलिक रेजेंस एंड सिंथेटिक ड्रग्स सिंथेटिक ड्रग्स यानी जो दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं उसके अंदर यूज़ किया जाता है और फिनॉलिक रेजेंस के अंदर ये यूज़ किए जाते हैं तो ये इसके यूजेस हो गए अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इनशाला मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी आज के लिए इतना काफ़ी है अभी के लिए इतना काफ़ी है सेकेंड पार्ट इसका मैं बाद में जो है ना वो अपलोड करूँगी ओके अला हाफ